गुड मॉर्निंग प्लस वन स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉनिक सेक्शंस चैप्टर नंबर 11th ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जब कॉनिक को प्लेन से कट करते हैं तो हमारे पास फोर टाइप के डिफरेंट कॉनिक सेक्शन आते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ये सारा मैंने आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे डिस्कस वो है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक सर्कल्स वाला, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपने क्लास 10th में किया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होगा एच के, और पी पॉइंट हमने कोई लिया इसके ऊपर एक्स वाई, और आर जो है इसका वो रेडियस है, सी पी मॉड इज इक्वल टू आर है। तो सिंपल आप डिस्टेंस फार्मूला इस पर लगाएं तो यह आएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है हम मेनली इसमें करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में यही डेफिनेशन की हुई है, ठीक है। यदि आपने एक और डेफिनेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से करना आपने, ठीक है। अब ये देखो, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करना है, जो एच को माइनस एच को मैंने जी लिखना है, और माइनस के को मैंने एफ लिखना है, और जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की टर्म है इसको मैंने सी लिख देना है। तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स जो सेंटर बना आपका, सेंटर हमारा एच के था ना, तो ये सेंटर बनेगा आपका, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे माइनस जी माइनस एफ, और यहाँ से हमने रेडियस निकाला आर स्क्वायर आप निकालेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो आर की रेडियस की वैल्यू आएगी, एच एंड के की वैल्यूज भी पुट कर दें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हम जी एंड एफ के टर्म्स में इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, और इसका जो रेडियस होगा वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये आपने नोट करना है। मान लो एक सर्कल गिवन आपको एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने जब इसमें ये पॉइंट एक्स वन वाई वन पुट किया, ठीक है, तो ये एस वन वन बन जाता है, एस वन वन पॉइंट पुट करने के बाद। तो जब एस वन वन आपका जीरो आएगा, इट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये एस वन वन क्या होता है, एक्चुअली पॉइंट ही होता है, तो ये पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा। जब ये लेस देन जीरो आएगा आपका, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। जब ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो ये पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। तो ये आपके जो 11.1 है उसका जो ये लास्ट सम है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। तो हमारे पास सर्कल था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, और एस वन वन है पॉइंट हमें गिवन है माइनस 2.5 3.5, ये एक्स वन वाई वन पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट सिंपली पुट किया मैंने, इसमें सारा सॉल्व करके मैंने देखा ये नेगेटिव आ रहा मेरा, तो जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, ये हमें इसमें बताना था, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 11.1। प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। इसका जो फर्स्ट सम है, ठीक है, फर्स्ट सम आपके पास सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। तो जो फर्स्ट सम, जब भी आपको सेंटर रेडियस गिवन होगा, तो आपने ये फार्मूला लगाना है जो कि आपको बताया, मेन बेसिक फार्मूला एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें आपके पास एच के जो है वो जीरो एंड टू है, और आर जो है वो टू है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं ईजिली। सेकेंड सम है, इसको भी आपने कंपेयर करना है एक्स माइनस एच का स्क्वायर से प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो हमने देखा एच हमारा आ गया माइनस फाइव, आपने इन दोनों को कंपेयर किया ऐसे, ठीक है। वाई माइनस थ्री और वाई माइनस के को कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू थ्री आ गई आपके पास, आर स्क्वायर 36 है तो आर सिक्स आ गया, वेरी सिंपल। सेवन सम, जो अभी मैंने आपको फार्मूला कराया था वो यहाँ उसी पर बेस्ड है, अब मैं उसी पर बेस्ड ये सम करवाऊँगी आपको। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस माइनस 45 इज जीरो। तो मैंने आपको बताया था जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो आपके पास आएगा टू जी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो जी की वैल्यू माइनस फोर आ गई, टू एफ इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू माइनस टू आ गई, टू एफ इज इक्वल टू माइनस एट,
तो एफ आपके पास माइनस फोर आ गया, सी आपके पास माइनस 45 है। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होते हैं, माइनस सी माइनस एफ, तो ये हो जाएगा 2 एंड 4, यही आ रहा ना आपका। ठीक है, और रेडियस आपको मैंने बताया था जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी कर देना आप। ठीक है, ये आप जी एंड एफ की वैल्यूज इसमें पुट कर देना, और सी की वैल्यू भी आपको माइनस 45 दी हुई है वो पुट कर देना। और यदि आपने एन सी आर टी के मेथड से करना है तो उसमें हम करेंगे, इसमें स्क्वेयर कंप्लीट करने हैं। मैंने पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 4x लिखा, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y लिखा, और माइनस 45 किया। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4x को स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो 2, ये क्या होता है 4x, क्या होता है 2 इंटू 2x हो गया आपके पास, 2ab तो होता है, ये इंटू 1 जैसे हो गया ना, तो ये 2 आपका है, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू x है आपके पास, ये 1 नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2x बना, x का स्क्वेयर ऑलरेडी गिवन, आपको 2 हमें लेना ही होता है, ये बाकी बचा 2। ठीक है, स्क्वेयर कंप्लीट करना आता है ये आपको, तो मैंने 4 इसमें ऐड कर दिया, 4 इसमें ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी 4 मेरे को लिखना पड़ेगा। ऐसे ही वाई स्क्वेयर माइनस 8y में 16 ऐड किया, तो 16 प्लस 4 20 हो गया, तो मैंने 20 ऐड कर दिया, तो ये बना एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 65 आ गया, ये आपका आर स्क्वेयर आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, देखो 2 एंड 4 ही आ रहा है ना ऊपर भी आपका, ये देखो ये सी 2 एंड 4 आ रहा था, इसमें भी हमारा 2 एच एंड k 2 एंड 4 ही आ रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा आर स्क्वेयर भी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10th को क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिस जो कि 2 पॉइंट में से पास कर रही है और उसका जो सेंटर है 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 पर लाई कर रहा है। सबसे पहले आपने सर्कल की इक्वेशन लेनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल कहते हैं इसको, ये लेना आपने। ठीक है, अब इसको दोनों पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 में से पास करवाएं, तो x को 4 पुट किया मैंने, y को 1 पुट किया, सॉल्व कर लिया ये आ गया, इस तरह से 6, 5 पुट किया तो ये आ गया। ठीक है, ये मैंने सॉल्व पुट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने खोल दिया पूरा खोल देना आपने, खोल के दोनों को माइनस कर देना है, तो एच एंड के में एक रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है सेंटर इस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ भी एच एंड के पुट कर दिया, दोनों को सॉल्व करके हमने एच एंड के निकाल लिया, के आपका 4 आ गया, एच आपका 3 आ गया, बस इसमें पुट कर दो आप वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, क्लियर, तो इसको आप खोल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। सेकंड मेथड आपको मैंने बताया था, ये आपने लिखना है। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है माइनस सी माइनस एफ होता है, और रेडियस इसका होता है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ये मैंने बताया था। अब ये जो सर्कल है ये 4, 1 में से पास करते हैं, 6, 5 में से पास करेगा, और जो सेंटर है इस पर लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मैं आप 4, 1 पुट करूँगी तो ये आएगा 16 प्लस 1 प्लस 8x प्लस 1 है ना आपके पास 2y, सॉरी x की वैल्यू 8g प्लस 2f आएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप 6y पुट करेंगे इसमें, तो g एंड f में इक्वेशन आएगी, जी एफ एंड c में इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी इन दोनों को माइनस करके आपके पास रिलेशन आएगा, g एंड f में एक रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद फिर से वही सेंटर इस पर लाई कर रहा है, तो माइनस 4g माइनस एफ प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक ये मान लो थर्ड इक्वेशन आएगी, ये फोर्थ आएगी, जी एंड एफ में दो इक्वेशन आएंगे आपके पास, इन दोनों को सॉल्व कर लेना आपने। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके फिर आपने जैसे सी निकालना है तो आप इसमें पुट करके सी निकाल सकते हैं, जी एंड एफ की वैल्यूज पुट करके, मतलब उसी तरह से ही हो गया, सेम वैसा ही मेथड हो गया आपके पास, मतलब जितने कॉन्स्टेंट हैं उतनी आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करना आपने, तो आप जो मर्जी मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th में रेडियस गिवन है आपको 5, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h0 गिवन है। ठीक है, और सेंटर मतलब x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए h0 मैंने लिया है, और जो सर्कल है वो 2, 3 में से पास कर रहा है, तो बड़ा सिंपल है, तो 2 माइनस h का स्क्वेयर हो गया प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू 25 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये h में एक इक्वेशन आ रही है, एक वेरिएबल में आ रही है, इसको आप सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h ही निकालना था आपको। 13th सम एक सर्कल निकालना है आपने जो कि ओरिजिन में से पास कर रहा है। ठीक है, और इंटरसेप्ट्स बना रहा है ए एंड बी ऑन द एक्सिस, मतलब ए 0 एंड 0 बी में से पास कर रहा है, तो 3 पॉइंट में से सर्कल पास कर रहा है। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी कितने हैं, 3 है, जी एफ एंड सी, और 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को
एक बार आपने ए जीरो में से पास करवाना है, एक बार जीरो बी में से, एक बार जीरो जीरो में से। तो जीरो ए जीरो में से पास करवाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, जीरो बी में से करवाएंगे तो ये आएगा, और थर्ड जीरो जीरो में से करेंगे तो सी जीरो हो जाएगा। अब सी जो जीरो आपने टू एंड थ्री में पुट कर देना सी जीरो, तो यहाँ से आप ईजिली सी जीरो पुट करेंगे, जी की वैल्यू टू जी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, इसी तरह से टू एफ़ की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। तो जो इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे आप, प्लस टू जी एक्स माइनस ए एक्स हो जाएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। 14 सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर आपको 2 गिवन है और 4 5 में से जो पास कर रही है। तो वैसे मैंने जैसे बताया आपको x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लें आप। अब आपको h के गिवन है और इसमें h कितना आपका, और ये एक्स वाई है आपका और ये एच के है, बस सारी वैल्यूज गिवन है आपको। देखो मैं पुट भी कर देती हूँ, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 15 सब मैंने पहले ही करवा दिया आपको। तो ये था सर्कल, जो कि काफ़ी सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू वेरी मच।